नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे रस के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये टॉपिक सीख चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है, और अगर आपने इस टॉपिक को नहीं सीखा तो इस टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लाखों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आ देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न हास्य रस का स्थाई भाव है। बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। हास्य रस का स्थाई भाव है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी शोक। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी हास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, रति स्थाई भाव किस रस का है। रति स्थाई भाव किस रस का है। बच्चों, ये टेबल है एक रस की, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लो तो आपके बहुत नंबर भर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, लेकिन बहुत से नंबर इसी में से आ जाते हैं। तो रति स्थाई भाव किस रस का है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए हास्य रस का, ऑप्शन बी शांत रस का, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी वीर। चलिए 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रृंगार। तो बच्चों, अगर आपको ये टेबल याद थी तो आपने सही जवाब दिया होगा। टेबल अगर याद नहीं है तो वीडियो में मैंने आपको वो टेबल बता रखी है, समझा रखी है, सिखा रखी है, तो आप वहां से सीख सकते हैं। निम्न पंक्तियां संबंधित हैं। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानव सर्पों में गरुण पड़ा। चलिए ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी विभत्स रस, ऑप्शन डी करुण रस। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए वीर रस। इन दो पंक्तियों में वीरता दिखाई गई थी, इसीलिए वीर रस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, करुण रस का स्थाई भाव है। करुण रस का स्थाई भाव है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी निर्वेद, ऑप्शन डी वत्सलता। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी शोक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, वीर रस का स्थाई भाव है। वीर रस का स्थाई भाव है, ऑप्शन सुनिए उत्साह, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी निर्वेद, ऑप्शन डी शोक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है उत्साह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। पंक्ति में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। बच्चों, रस बताना है, इन दो पंक्तियों में क्या आया है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वियोग रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी करुण रस, क्योंकि यहां दुख के बारे में वर्णन है, क्योंकि राष्ट्रपिता परमात्मा के पास चले गए हैं, यहां दुख प्रकट होने की वजह से करुण रस आया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भयानक रस का स्थाई भाव है। बच्चों, आज के वीडियो में आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। भयानक रस का स्थाई भाव है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए हास, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी उत्साह। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी भय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, शांत रस का स्थाई भाव है। शांत रस का स्थाई भाव बताना है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी निर्वेद। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्वेद। निर्वेद का मतलब शांति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, विभत्स रस का एक उदाहरण है। विभत्स रस का कौन सा उदाहरण है इसमें, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए शव जीव खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते, ऑप्शन बी तीर्थ व्रत साधन कहा, जो निस्दिन हरिगान, ऑप्शन सी उठरी विकसित कुवल्य नयने नयन निमिलित खोल,
ऑप्शन डी अपूर्व श्री श्यामल पत्र राजी में कदम के पुष्प कदम की घटा। आपके 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए शव जीव खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते। ये एक घृणा उत्पन्न होती है इसको पढ़ने से, तो इसीलिए ये विभत्स रस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विस्मय स्थाई भाव किस रस का है? बच्चों आपकी क्लास से रिलेटेड पाठ और कविताएं भी पढ़ना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। विस्मय स्थाई भाव किस रस का है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी अद्भुत, ऑप्शन सी विभत्स, ऑप्शन डी श्रृंगार। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी अद्भुत रस का, विस्मय स्थाई भाव है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भय स्थाई भाव किस रस का है? भय स्थाई भाव किस रस का है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी करुण। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए भयानक, भयानक रस का भय स्थाई भाव है। निम्न में अद्भुत रस का उदाहरण है, अद्भुत रस का उदाहरण छाटना है आपको। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। ऑप्शन बी नख रेखा सोहे नई अरसो है सब गात। ऑप्शन सी बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैं न। ऑप्शन डी के की रव को नुपुर ध्वनि सुन नगती जगती की मुख प्यास। ऑप्शन सो आपने सुन लिए हैं, आपके 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, सारे संसार की माया दिख रही है एक छोटे से बच्चे के मुख में, यानी श्री कृष्ण के मुख में, इसीलिए यहां अद्भुत रस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 13वां, वत्सलता स्थाई भाव किस रस का है? वत्सलता स्थाई भाव किस रस का है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी रौद्र, ऑप्शन डी वात्सल्य। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी वात्सल्य, वात्सल्य रस का ही एक स्थाई भाव है जो है वत्सलता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हास स्थाई भाव किस रस का है? बच्चों इसी तरह के और भी एमसीक्यूज की वीडियोस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, वीडियो के एंड में देख लेना। हास स्थाई भाव किस रस का है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी वात्सल्य, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी रौद्र। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी हास्य। चलिए बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और इसी टॉपिक का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। और इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।